छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड CSPGCL की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परसा कैप्टिव खुली कोयला खान परियोजना आवंटित क्षेत्र 1252.447 हेक्टर, उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम तारा जनार्दनपुर एवं साधी हरिहरपुर फतेहपुर घाटबर्रा तहसील प्रेमनगर व उदयपुर जिला सूरजपुर एवं सरगुजा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। इसका जन सुनवाई अब प्रारंभ किया जा रहा है। जन सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में अभी आपको अवगत कराएंगे। मैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर प्रेमनगर जिला सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट कैप्टिव कोल माइन जिसकी क्षमता 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष, माइनिंग लीज एरिया 1252.447 हेक्टेयर में से सूरजपुर जिले के प्रेमनगर तहसील अंतर्गत 317.869 हेक्टेयर क्षेत्र के पर्यावरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के TOR पत्र क्रमांक J11015/398/2012 दिनांक 14/5/2013 के परिपालन उद्योग द्वारा जांच PI रिपोर्ट तैयार कर पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराने के संबंध में मंडल मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर में 16 जनवरी 2014 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मंडल मुख्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 25/1/2014 को उद्योग की लोक सुनवाई कराने हेतु निर्देश दिए गए। कलेक्टर महोदय सूरजपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई की तिथि 28/2/2014 को नियत की गई। तदनुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित PIA अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2014 को इंडियन एक्सप्रेस एवं द हितवाद के राष्ट्रीय संस्करण तथा दैनिक भास्कर, नई दुनिया, अंबिकावाणी समाचार पत्रों में 30 दिन पूर्व लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गई। प्रस्तावित ओपन कास्ट कैप्टिव कोल माइन हेतु पर्यावरणीय संघात आकलन प्रतिवेदन एवं कार्यपालक सार की प्रतियां और लोकनाथ कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला पंचायत कार्यालय सरगुजा, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सूरजपुर, कार्यालय अनुभागीय दंडाधिकारी राजेश प्रेम नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर, ग्राम पंचायत कार्यालय तारा रामशिव नगर, तहसील प्रेम नगर, डायरेक्टर पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र, लिंक रोड नंबर 3 E5 रविशंकर नगर भोपाल मध्य प्रदेश, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कबीर नगर व्यावसायिक परिसर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कबीर नगर रायपुर में रखी गई थी। तदनुसार इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही आज दिनांक 28/2014 को आयोजित किया गया है। तत्संबंध में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, जन सामान्य से उद्योग द्वारा प्रस्तावित ओपन कैप्टिव कोल माइन के संबंध में टीका टिप्पणी, आपत्ति, सुझाव, विचार प्रस्तुत करने के लिए आज लोक सुनवाई आयोजित की गई है। आज दिनांक तक क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में 1 सुझाव, आपत्ति, हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति, ग्राम पोस्टाली तहसील उदयपुर जिला सरगुजा से प्राप्त हुआ है तथा इसी परियोजना से संबंधित एक अन्य पत्र समस्त ग्रामवासी हरिहर साली फतेहपुर घाटबर्रा से प्राप्त हुआ है। उद्योग प्रतिनिधि से निवेदन है कि इस परियोजना के बारे में संक्षिप्त रूप से आम जनता को बताएं। नमस्कार, मैं
आर के श्रीवास अतिरिक्त मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से मैं मंच में उपस्थित आदरणीय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय एवं आदरणीय क्षेत्रीय अधिकारी सर्व पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर एवं आप सभी उपस्थित ग्रामीण जनों का अपनी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की ओर से इस पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई में आप स्वागत करता हूँ। परियोजना के विषय में यह बताना है कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी जो कि छत्तीसगढ़ शासन की एक कंपनी है उसके अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है और परसा की जो कैप्टिव माइन है इसमें से जो खनिज कोल होगा कोयला इस कोयले का उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की मड़वा 2×500 मेगावाट परियोजना है जिसका निर्माण कार्य तीव्रता से हो रहा है और जो छत्तीसगढ़ में ही स्थापित की जा रही है उस परियोजना के लिए इस कोयले का उपयोग किया जाना है जिससे कि प्रदेश के लिए बिजली उत्पन्न होगी और संपूर्ण प्रदेश की बिजली की आवश्यकता पूरी होगी। इस परियोजना जो परसा कोल ब्लॉक का आवंटन प्राप्त हुआ था वो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2006 को प्राप्त हुआ था और उस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के रूप में हमारा कार्य हो रहा था जिसका बाद में पुनर्गठन करके 5 कंपनियों में बनाया गया था और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के उत्तरदायित्व में परसा कैप्टिव कोल ब्लॉक के खनन का कार्य किया जा रहा है। इस कोल ब्लॉक में कुल आवंटित जो जमीन है इसमें 1252.47 हेक्टेयर जमीन का प्रयोग होना है जिसमें से कुल 6 गांव हैं और आज की जनसुनवाई में जैसा आपको बताया गया कि आपके क्षेत्र के 2 गांव पारा और जनार्दनपुर के लिए जनसुनवाई हो रही है। इस खदान से कुल 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष का उत्पादन जब पूर्ण क्षमता होगी तब किया जाएगा और पर्यावरणीय प्रभाव इसके जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं वो उनका अध्ययन किया गया है। एक इस पर्यावरण अध्ययन के लिए पारंगत कंपनी है विंटा लैब उसके द्वारा और उसकी तकनीकी जानकारी उनके द्वारा प्रदान की जानी है जिसमें ये पाया गया है मुख्यतः जो हम आपको बताएंगे कि इसमें पर्यावरणीय प्रभाव बहुत ही नगण्य है और इस क्षेत्र का समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए ये पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन किया गया है। तो इसके बाद परियोजना के जो तकनीकी पहलू होंगे उनके लिए विमता लैब्स के जो हमारे पारंगत विषय के पारंगत लोग हैं वो जानकारी दे पाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय क्षेत्रीय अधिकारी एवं उपस्थित ग्रामवासियों, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और परियोजना के पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में आपको बताता हूँ। ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की कैप्टिव कोल माइंस है जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ के जगदीर चापा में स्थित मड़वा पावर प्रोजेक्ट के लिए किया जाना है। यह एक परियोजना ओपन कास्ट कोल माइन है, फुली मैकेनाइज्ड जो माइंस है। स्थान की क्षमता 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इस परियोजना के लिए हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन जो भारत सरकार के EIA नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2006 के अनुसार किया गया है। अध्ययन के दौरान ये पाया गया मौसम अध्ययन के दौरान इसका अध्ययन की अवधि मार्च से मई 2013 प्री मानसून सीजन ग्रीष्मकालीन समय में किया गया है। इस अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि इस खदान से पर्यावरण पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए हम लोग पर्यावरण प्रबंधन के लिए क्या क्या अपनाएंगे। यहाँ परदेशी वायु गुणवत्ता के लिए 10 स्थानों पर परदेशी वायु गुणवत्ता का परीक्षण किया गया जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, SO2, NOx, CO2, AR, NI, NH3, PV आदि पर्यावरण प्रदूषकों का विश्लेषण किया गया जो सभी निर्धारक मानकों के अंतर्गत है। पानी के पर्यावरण के लिए हम लोगों ने 12 स्थानों पर सैंपल किया जिसमें सरफेस वाटर और
ग्राउंड वाटर जो सतह और भूमिगत जल है उसका भी गुणवत्ता का जांच किया गया। इससे यहाँ का प्रदूषण का उल्लेख नहीं हो रहा। मृदा पर्यावरण के लिए हम लोगों ने 7-8 स्थानों से सैंपल लिए गए, उसका परीक्षण किया गया और इसके आधार पर एक प्रेडिक्शन मॉडल संभावित प्रदूषण का एक मॉडल तैयार किया गया। इसको रोकथाम के लिए क्या क्या हम लोग अपनाएंगे, इसके लिए हम बनाया गया वायु गुणवत्ता के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी, धूल कणों को नियंत्रण करने के लिए इस खान क्षेत्र में निरंतर जल का छिड़काव होगा, स्पेशल में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए जाएंगे जो पर्यावरण के भारत सरकार वन मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ संरक्षण पर्यावरण मंडल के अनुरूप होंगे, जिससे कि आसपास का वातावरण पर इसका प्रभाव नगण्य रहे। पानी के लिए हम लोग चेक डैम और नाइस में पानी बाहर ना निकले इसके लिए प्रॉपर सेटलिंग टैंक, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, खान का पानी पुनर्उपयोग के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे और ओवी डंपों पे मिट्टी की दशा ना हो उसके लिए समुचित पूरी व्यवस्था की जाएगी। उनको घर प्रजातियों के पौधरोपण द्वारा स्तरित किया जाएगा, इससे ढलानों से मिट्टी बहने को रोका जाएगा। इससे ये आसपास के वातावरण को प्रभावित नहीं करेगा और उसका समय समय पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के निर्धारण के अनुसार उनका परीक्षण किया जाएगा। भूमिगत पानी के लिए हम लोग कंटिन्यू परीक्षण इसका किया जाएगा, उसके लिए हम लोग अपने वर्कशॉप में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये लगाएंगे, जिससे पानी का प्रदूषण बिल्कुल नगण्य होगा। उस पानी को पुनः चक्रित करके उसको ग्रीन बेल्ट में और अन्य कार्यों में धूल कणों के निस्तार पानी छिड़काव में उसका उपयोग होगा, अतः इससे जल प्रदूषण की कोई संभावना नहीं है। आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि इस परियोजना के क्षेत्र के चारों तरफ वन्य जीव और इनकी संवर्धन के लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है और उसका अनुमोदन भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय एवं चीफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर के द्वारा अप्रूव होने के बाद इसमें जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनका संरक्षण समर्थन करने के लिए उपाय किए जाएंगे, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ने ना पाए। ध्वनि प्रदूषण के लिए सेकेंडरी ब्लास्टिंग को पूर्ण रूप से दूर किया जाएगा। संचित आकार के लिए आवश्यकतानुसार रॉक ब्रेकर्स का यूज किया जाएगा और ध्वनि स्तर कम करने के लिए खान की परिसीमा के आसपास में बृहद वृक्षारोपण एंड ग्रीन बेल्ट का वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव आसपास के लिए नगण्य रहे। वृक्षारोपण हरित पट्टिका के विकास में वृक्षारोपण हरित पट्टिका